सुबह सुबह मुर्गियाँ कुकुरुकु करने लगते हैं। बिस्तर पर लेटे हुए प्रसाद की अचानक से आंखें खुल जाती है। आंखें खोल के देखते हैं, उसकी लड़ाकिन पत्नी शारदा बिस्तर पे नहीं है। प्रसाद घबरा के बिस्तर पे उठ के बैठ जाते हैं। बेड के साइड टेबल पे रखा हुआ एक प्लास्टर वो हाथ में लेके बाहर निकल आते हैं। तभी देखते हैं शारदा गेट के पास खड़ी है, तब जाके उन्हें राहत मिलती है। आज मेरी पत्नी की जुबान ऐसा बंद क्यों है? सुबह गांव से शहर जाने के लिए एक बस छूटती है, जिसमें काम करने वाली पार्वती जाती है। लगता आज गई नहीं, मैं बच गया। ऐसा सोचते हुए प्रसाद शारदा के पास जाते हैं। प्रसाद को देखकर शारदा चालाकी से कहती है, क्या हुआ जी, आज बड़े सुबह सुबह उठ के आ गए? तुम्हारे लिए शारदा, तुम नहीं होते हो तो मुझे नींद नहीं आती है। मैं पार्वती के लिए खड़ी थी, अभी तक वो आई नहीं, बहुत गुस्से में हूँ। अभी आप मजाक किए ना तो फिर मुक्का भी। बेचारी पार्वती, उस पे इतना गुस्सा क्यों करती हो तुम? ऐसा सुनते ही वो गुस्से से चिल्ला के कहने लगती है, हाँ मैं लड़ाकिन हूँ, राक्षसी हूँ, माइक लेके बस चिल्लाते रहती हूँ। मेरे बेटे के लिए जो रिश्ता लेके आए उनके पास जाके वो ये सब कह रही है, उसकी इतनी हिम्मत? उसकी बातें सुन के प्रसाद डर के मारे चारों तरफ देखने लगते हैं। बच गया भगवान, अभी तक कोई उठा नहीं, किसी ने देखा नहीं। जैसे ही प्रसाद ने शारदा को इस तरह से बड़बड़ाते देखा, हाथ में रखा प्लास्टर उसने शारदा के मुंह पे चिपका दिया। तभी रमेश दरवाजे के पास आकर ये सब देखकर वहीं पे छुप जाता है। उसके थोड़ी देर में ही पार्वती शारदा के घर के सामने से गुजर के जा रही होती है। शारदा के मुंह पे प्लास्टर देख के वो हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। इससे शारदा को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब शारदा अपने पति प्रसाद से कुछ कह नहीं पाती है, इसीलिए घर के सामने वाले गेट पे जाके एक जोर से लात मारती है। ये देखकर प्रसाद डर के मारे वहाँ से भागते हुए घर के अंदर जाके कंबल ओढ़ के सो जाते हैं। शारदा के मुंह पे चिपका प्लास्टर को वो खींच के निकालती है। फिर अपने पति को डांटते हुए वो बगान के तरफ चली जाती है। फिर बेटे को देखती है तो वो चुप हो जाती है और बिना कुछ कहे हुए वहाँ से चली जाती है। रमेश भी फिर वहाँ से अपना ऑफिस चला जाता है। रमेश इस बात से बहुत परेशान था क्योंकि सही वक्त पे उसकी शादी नहीं हो रही थी, इसीलिए दुखी होकर एक चेयर पे बैठा हुआ था। तभी उसका कोलीग मदन वहाँ आता है। मैं तुम्हारी दिक्कत समझ सकता हूँ, पर हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। पहले कुछ ही लोगों को पता था कि तुम्हारी माँ बहुत लड़ाकिन है, पर अब तो सबको पता चल गया है, इसलिए कोई अपनी बेटी तुम्हें देना ही नहीं चाह रहा है। मैं अपनी माँ की आदत बदल नहीं सकता, कोई अपनी बेटी नहीं देना चाह रहा है, लगता है मेरी शादी कभी नहीं होगी। सुनो, अगर मैं जैसा कहता हूँ वैसा करोगे तो तुम्हारी शादी जरूर होगी। मदन की ऐसी बातें सुन के रमेश का चेहरा मानो कि एलईडी लाइट की तरह चमक उठा। हाँ मैं जरूर करूंगा, बताओ क्या करना है? तुम अनाथ आश्रम में जाओ, वहाँ जाके एक लड़की को चुन लो और मंदिर में ले जाके उससे शादी कर लो। फिर जाके तुम घर पे बताना कि तुम्हारी माँ के बर्ताव की वजह से कोई अपनी बेटी देना ही नहीं चाह रहा है, इसलिए तुमने ऐसा किया। फिर देखना तुम्हारी माँ भी इस बात को मान लेगी। उसकी बातें सुन के रमेश सोचने लगा। उसे भी लगा कि मदन बिल्कुल सही कह रहा है। फिर देर ना करते हुए ऑफिस में छुट्टी की अर्जी लगाकर रमेश और मदन बाइक लेके अनाथ आश्रम के लिए निकल जाते हैं। वहाँ जाके वो अनामिका को देखता है। वहाँ अनामिका अच्छी लगती है, जो कि बहुत खूबसूरत और मासूम थी। फिर अपने पैसे खर्च करके वो मंदिर में अनामिका को ले जाके शादी कर लेता है। फिर वो अनामिका को घर ले आता है। उन्हें देख कर प्रसाद बहुत खुश होते हैं, पर शारदा को जैसे ही पता चलता है कि रमेश अनाथ लड़की को शादी करके ले आया है, अब वो ज्वालामुखी बन जाती है। तुम्हें क्या लगा हम मर चुके हैं कि इस बिन परिवार की अनाथ लड़की को शादी करके ले आए? नहीं माँ, अब अनामिका अनाथ नहीं है, मेरे जैसा उसका एक पति है, आप जैसी सास और पिताजी जैसे ससुर जी है, फिर अनामिका अनाथ कैसे हुई? बकवास मत करो। माँ आप पसंद करे या ना करे, अनामिका मेरी पत्नी है और इस घर की बहू है, बस। इस तरह से कहकर वो अनामिका के साथ शारदा को प्रणाम करता है। शारदा बिना कुछ कहे वहाँ से चुपचाप चली जाती है। उन्हें इस तरह परेशान देखकर प्रसाद आगे आते हैं। वो दोनों फिर खुशी खुशी प्रसाद से आशीर्वाद लेते हैं। दूध हो नहाओ भूतो फलो, आशीर्वाद देके चले जाते हैं। उस दिन से अनामिका की जिंदगी उस घर पे बहू के तौर पे शुरू हो जाती है। शारदा चाय पीती नहीं थी, अनामिका उन्हें चाय लाके देती है। शारदा वो चाय लाके सीधा अनामिका के चेहरे पे उड़ेल देती है। चल रहा है, चल रहा है, सासुमा
आपने चाय मेरे चेहरे पे उड़ेल दिया। ऐसा कहकर भागते हुए वो वॉशरूम की तरफ जाती है। शारदा के घर के आसपास जो लोग रहते थे या फिर वहाँ से गुजर के जा रहे थे, उन्होंने अनामिका की चीखें सुनी। अब चूंकि शारदा की आदतों के बारे में सबको पता था, इसीलिए कोई कुछ कहने के लिए आया नहीं। अब दोपहर का वक्त हो गया। शारदा आके डाइनिंग टेबल पे बैठ गई। अनामिका बहुत प्यार से खाना परोस रही थी, पर शारदा ढक्कन हटा के देखती है, एक में सांबर है। खोलता हुआ गरम था वो। बस शारदा अनामिका के हाथों को लेकर उस गरम सांबर के अंदर डाल देती है। अनामिका का हाथ जलने लगता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा गरम था। सासू माँ, सांबर बहुत ज्यादा गरम है, मैं गरम सह नहीं पा रही हूँ। अनामिका चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है। तुम मुझे माँ नहीं कहोगी, तुम उस लायक नहीं हो। ऐसा कह के वो अनामिका को घर के एक कोने में खींच कर ले जाती है। वहाँ उसे नीचे बैठाती है और फिर एक प्लेट में चावल, दाल, सांबर, चटनी सब देती है। उस पे अच्छे से नमक मिलाती है और गुस्से से अनामिका के सर के झोटे को पकड़ के कहती है, खाओगी? खाओ, एक भी दाना छोड़ी ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं, खाओ। इस तरह से धमकी देती है। अनामिका हाथ जोड़ के शारदा के सामने रोने लगती है। मैं नहीं खा सकती माँ जी, अगर मैं ये खाई तो मैं मर जाऊंगी। उसकी बातें सुन के शारदा को और गुस्सा आने लगता है। तुम मुझे माँ मत कहना, तुम जब ऐसा कहती हो मेरे शरीर में सांप और बिच्छू चल रहे हैं। लुको, तुम्हें अच्छे से सबक सिखाती हूँ। ऐसा कहकर वो अनामिका के बालों को छोड़ के सीधा किचन में जाके हथियार ढूंढने लगती है। वहाँ उसे बेलन दिखता है, फिर उसे लेकर स्टोव में जलाकर उसे गरम करती है और अनामिका के पास ले आती है। एक हाथ में बेलन और दूसरे हाथ से अनामिका के बालों को पकड़ती है। खाओ, ये नमक वाला खाना खाओ, नहीं तो मैं तुम्हें इस बेलन से जला दूंगी। इस तरह से वो डराने लगती है। अनामिका चिल्लाने लगती है। चिल्लाने की आवाज सुनने के बाद भी गांव वाले कुछ मदद नहीं कर पाते हैं। तभी बाप बेटा जो बाहर गए हुए थे वो घर लौट आते हैं। जल्दी से आके रमेश अपनी पत्नी को माँ के टॉर्चर से बचा लेता है। तब से उस घर में दो अलग अलग चूल्हे जलने लगे और दो परिवार अलग हो गया। रमेश अपनी पत्नी अनामिका को साथ लेकर खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। ये कहानी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सुखाड़ पड़े अपने खेतों के जमीन को देखकर अनामिका रोने लगी। माफ कर दीजिए धरती माता, मेरे लोगों ने जो किया उससे मैंने आपको बचा नहीं पाया। अब पता नहीं मैं क्या करूंगी, मैं आपको कैसे बचाऊं? ऐसा कहकर वो बहुत परेशान थी। तभी सासू माँ शारदा, ससुर जी प्रसाद और पति रमेश तीनों उसी खेत में आते हैं। वहाँ वो अनामिका को उस तरह से रोते हुए देखते हैं। देखो बहू, तुम किसान की बेटी हो, खेत के लिए तुम्हारे दिल में अलग प्यार है। सिर्फ इतना ही नहीं, बरसात के मौसम में जब तुमने खेती की थी तुम्हें बदले में अच्छी फसल भी मिली थी और हमने तुम्हारा कितना सराहना किया था। माँ जी, एक बात कहूँ, आपातकालीन समय में बस आपको दो ही चीज बचाता है, एक सोना और दूसरा ये जमीन। पर मेरी नजर में सोने के गहने के लिए उतना मोल नहीं जितना कि जमीन के लिए है। पिताजी, अगर हम अनामिका को ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो जमीन और खेत पे हमारा अच्छा खासा क्लास ले लेगी। थोड़ी देर में ही मजदूर आने वाले हैं, उन्हें बता दीजिए हमारी जमीन कहाँ से कहाँ तक है, वो जाके वहाँ पे बेड़ा लगा देंगे। ऐसा कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। प्रसाद और शारदा वहीं पे खड़े रहते हैं और खेत के किनारे खड़े होकर बातचीत करने लगते हैं। तभी दो मजदूर वहाँ पे आते हैं। तभी अनामिका एक दराती उठाकर अपने गले के पास लगा लेती है। ये देखकर शारदा और प्रसाद बहुत ज्यादा डर जाते हैं। नाना बहू, ऐसा काम मत करना, मेरी बात सुनो। माँ जी, मेरी बात मानिए, आप इस खेत को मत बेचिए। ठीक है बहू, पहले गले से ये दराती हटाओ, चोट उठ लग गई तो खून बह जाएगा। वादा कीजिए कि आप खेत नहीं बेचेंगे, नहीं तो इस दराती से मैं अपनी जान ले लूंगी। अनामिका ने जब ऐसा कहा तो उसके ससुराल वाले बहुत डर गए कि कहीं अनामिका निश्चित रूप से अपना गर्दन न काट ले। इसलिए शारदा और प्रसाद अपने में बातें करके सोच विचार करने लगे और फिलहाल के लिए जमीन को बेचने का विचार स्थगित कर दिए। ठीक है बाबू, हम खेत नहीं बेचेंगे, चलो घर चलते हैं। अरे बाबू, अभी काम नहीं है, ये लो ये पैसे लेके तुम लोग जाओ।
ऐसा कहकर शारदा पैसे देके मजदूरों को वहाँ से भेज देती है। पैसे लेके मजदूर भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर शारदा और प्रसाद बहू को साथ लेकर खेत से अपने घर चले आते हैं। दो दिन निकल जाता है। फिर एक दिन अनामिका को सोफे पे बैठाकर शारदा, प्रसाद और रमेश तीनों उससे बात करने के लिए बैठ गए। देखो बहू, तुम मिट्टी के आदमी नारायण की बेटी हो, तुम्हारा जमीन से लगाव होना स्वाभाविक बात है, हम इस बात से इनकार नहीं करते। वो बात मुझे पता है माँ, आप लोग मेरे जमीन और खेत के लिए प्यार देख के मुझे पसंद करके ले आया था ना। हाँ अनामिका, पर परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती है ना। पर अब तुम नारायण की बेटी नहीं हो, रमेश की पत्नी और इस घर की बहू हो तुम। तुम्हारे पति और उसके परिवार के लोग जमीन बेचना चाह रहे हैं, तुम्हें समझना चाहिए। व्यापार करने के लिए आप लोगों को पैसों की जरूरत है और आपके पास पैसे नहीं। आप कह रहे हैं ये जमीन फसल नहीं देती है, इसीलिए इस जमीन को आप लोग बेचना चाहते हैं, यही है ना पिताजी? हाँ बहू। आपसे वादा करती हूँ पिताजी, इस खेत में मैं सोना उगाऊंगी, बस आप मुझे 6 महीने का वक्त दीजिए। अगर मैं इस खेत में सोना नहीं उगा पाई तो आपको इस खेत को बेचने से मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगी। इस बात के लिए आप मुझे जहाँ कहेंगे वहाँ हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हूँ। अनामिका की ऐसी बातें सुन के रमेश, शारदा, प्रसाद तीनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर वो अनामिका के चेहरे को देखते हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद प्रसाद कहते हैं, ठीक है बाहू, तुम सोना उगाना चाहती हो ना, तुम उगाओ, और अगर तुम सोना नहीं उगा पाए तो हम उसी वक्त खेत को बेच देंगे, ठीक है ना? इस बात के लिए मंजूरी दे रही हो ना? हाँ मंजूर है पिताजी। ऐसा कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। दिन निकल रहे थे। अनामिका सोच ही रही थी कि उस सूखे जमीन पर वो कैसे सोना उगाएगी। कंप्यूटर के सामने बैठ के काफी कुछ ढूंढती है, पर उसे कुछ भी हाथ नहीं लगता। अपने सह किसानों के पास जाकर उनसे पूछताछ की, पर सभी ने कहा कि उन्हें कुछ खास पता नहीं इस मामले में। फिर एक दिन अनामिका अपने पिताजी नारायण के पास गई, उन्हें जाके पूरी बात बताई। वो भी इस बारे में सोच विचार करने लगे, पर वो समझ नहीं पा रहे थे कि उस जमीन पे सोने का फसल कैसे उगाया जाए। वो भी कुछ मदद नहीं कर पाए। देखते देखते एक हफ्ता निकल गया। अनामिका परेशान होके रोते रोते उस खेत में गई। हे धरती माँ, अगर इस जमीन को बेचने से रोकना है तो कैसे भी इसमें फसल उगाना होगा। पर कैसे, मुझे पता है कि मैं सोना उगा सकती हूँ, फिर आप मुझे इस मिट्टी से मिल जाने दीजिए। ऐसा कहकर जमीन के एक पत्थर पे जाके वो सर फोड़ने लगती है। पृथ्वी माँ दो टुकड़े में बट जाती है। वहाँ से देवी माँ प्रकट होती है। अनामिका, जब तुम मुझे बचाना चाहती हो फिर तो मुझे भी तुम्हारी जान बचानी होगी। मैं तुम्हें एक मायावी हल दूंगी, उस हल से तुम इस खेत को जोतोगी तो सोने के सिक्के निकल आएंगे और ये खेत सोने जैसे लहराएंगे। ऐसा कहकर वो उसे एक हल देती है। उस मायावी हल से अनामिका खुद खेत जोतने लगती है। तभी उसमें से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं और बढ़ने लगते हैं। अनामिका उस मायावी हल से पूरे खेत को जोतती है। मायावी हल से उस खेत को जोतने से पूरा खेत सिक्कों से भर जाता है। उस रात अनामिका बड़े ही निश्चिंत होकर सो पाती है। अगले दिन सुबह सुबह बेड कॉफी देकर सासू माँ शारदा बहू अनामिका को जगाती है। अनामिका थोड़ा चौंक जाती है, फिर बाद में समझ जाती है कि सासू माँ ऐसा क्यों कर रही है। ये क्यों सासू माँ? बेड कॉफी बहू, आज से तुम्हारे ऊपर के सारे शर्त खत्म होते हैं। ठीक है माँ जी, मैं तैयार होके आती हूँ, फिर हम सब साथ मिलके खेत चलेंगे। खुश होकर अनामिका बेड कॉफी पीती है। शारदा भी खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। ठीक एक घंटे के बाद शारदा, प्रसाद, रमेश और अनामिका पूरे परिवार एक साथ खेत के तरफ जाते हैं। बहू, तुम्हारी सोने के फसल कहाँ है? जमीन के अंदर माँ जी, अगर आप चाहे तो मजदूरों को बुला के हल चलवा सकती है। ऐसे कहने के बाद वो मजदूरों को बुलाते हैं हल चलाने के लिए। सारे मजदूर वहाँ पे आते हैं, खेत में हल चलाते हैं और खेत से सोने के सिक्के निकलते हैं। ये देख कर ही प्रसाद, रमेश, शारदा तीनों आश्चर्य हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर में वो खुद को संभालते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि जमीन से सोने के सिक्के निकल रहे हैं तो वो जमीन को बेचने की परिकल्पना को रद्द कर देते हैं। फिर उन सोने के सिक्कों को बेचकर जो पैसे मिलते हैं उन पैसों से रमेश अपना व्यापार शुरू करता है
और फिर सभी लोग एक साथ मिलके खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं।